वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पी यू। और आज के वीडियो में मैं आपको अपने स्क्रैप बुक का पूरा फाइनल लुक दिखा रही हूँ। और अगर आपको जानना है ये स्क्रैप बुक कैसे बनाई है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैंने इसे पूरा अच्छी तरह से वन बाय वन एक एक पार्ट करके वीडियोस को अपलोड करा है। तो अगर आपको स्क्रैप बुक बनाने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे DIY हैंडमेड गिफ्ट की आइडियाज़ शेयर करती हूँ। ये वाटरफॉल कार्ड है, यहाँ मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कौन सा कार्ड क्या है, ताकि आपको स्क्रैप बुक के बारे में अगर कुछ नहीं भी पता है तो आप जान जाएं। इसे बोलते हैं स्टैंड अप कार्ड, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस स्क्रैप बुक की एक प्लेलिस्ट भी है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। और ये वाला जो कार्ड है इसे लॉकअप कार्ड बोलते हैं। स्क्रैप बुक बनाने के लिए आपको कई तरह के स्क्रैप बुक मिल जाएंगे आइडियाज़। ये वाली जो है ये मैंने एनिवर्सरी के लिए बनाई है और इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस को ऐड किया है। आप चाहें तो 3 या 4 पेजेस में भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो 2 कलर के कलर कॉम्बिनेशन में भी स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं और अपने हाथों से इस तरह से आप कुछ भी मैसेजेस लिख सकते हैं। ये आई लव यू पॉपअप कार्ड है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके पास वाला जो है इसे स्लाइडर कार्ड बोलते हैं, जो कि इस तरह से खींचने पर स्लाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट है शटर कार्ड, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एकदम शटर की तरह ओपन होता है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के जस्ट नीचे एक एरो बना आ रहा होगा जहाँ पर कब पब्लिश किया है ऐसा डेट लिखी आ रही होगी। उस एरो पर क्लिक करेंगे तो पूरा एक बॉक्स खुलेगा, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि कौन से पार्ट में क्या सिखाया है मैंने और अलग अलग लिंक दिए हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है creativepu, और वहाँ पर आप मुझसे किसी भी तरह की परेशानी हो तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वहाँ भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। इस कार्ड को बोलते हैं स्लाइडर लॉकअप कार्ड। मैंने इसी तरह का एक कार्ड बनाया था जिसमें से पॉपअप करके क्यूब्स निकलते हैं, यानी कि जब हम इसका लॉक खोलते हैं तो छोटे छोटे क्यूब शेप के बॉक्स बाहर निकलते हैं। ये वाला कार्ड है पॉपअप ट्विस्ट कार्ड, और इसी वाले पेज के अंदर मैंने एक हिडन कार्ड डाल रखा है। तो ये सारे कार्ड जो हैं उनका मैंने इस स्क्रैप बुक के जो पार्ट्स हैं उसमें ट्यूटोरियल दिया है। आपको इन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में मिल जाएगा। स्क्रैपबुक को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि स्क्रैपबुक के साथ साथ मैंने सारे ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं। क्योंकि मैंने पिछले टाइम जो स्क्रैपबुक्स बनाए थे उसमें बहुत से लोगों को बहुत सारी क्यूरीज रही हैं, इसलिए मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, कोई कमी हो तो कमेंट करना, और किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये कैसी लगी।
और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपकी फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।